तो गाइज़ आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ यार, काफ़ी ज़रूरी बात है और इस ट्रिप से रिलेटेड है जो अभी हमने किया है। देख सकते हो, देखो मौसम साफ तो हुआ है। साइड को देखो फिर आप, ये देखो और ख़राब हो सकता है, कुछ नहीं पता इसका। होपफुली आज हम निकलेंगे तो अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, वो मैं आपको जाते जाते बताऊंगा। तो गाइस आप यहाँ से सीढ़ियों की ना इंक्लाइन देखो कितना है। उज्जू और मम्मी ने भी दोनों ने बहुत सामान पकड़ा हुआ है, वे साइड मैंने भी बहुत सामान पकड़ा हुआ है। अगर आप चल नहीं सकते हो ना तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बिकॉज 30-40% समय में तो आपको चलना ही पड़ता है। हमारी दादी साथ में है, मन्नत हमारे लिए बाय बाय कर रहे हैं। बाय 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 बाय, मिलते हैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ सड़क इतनी छोटी होती है, गाड़ी आगे फंस गई है और हम निकल नहीं सकते जब तक वो निकलेगी नहीं आगे से। और यहाँ से नीचे ना आप एक बार इंक्लाइन देखो, लोग इसमें भी गाड़ियाँ नीचे ले जाते हैं फिर ऊपर ले आते हैं। इसी रोड में नीचे मेरे चाचू का प्लॉट भी है, हमारा घर नीचे रेड छत वाला। बाय बाय घर, मिलते हैं थोड़े दिनों में। अब आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या है, लोग हर कहीं सड़क पे खड़ानी पड़ती है गाड़ी, बिकॉज कोई ऐसी निर्धारित पार्किंग नहीं है। और दुकानें देखो कितनी ऊपर है, आपको लिटरली वो सीढ़ियाँ चढ़ के उसके बाद एक और सीढ़ी चढ़ के यहाँ आना पड़ता है। माउंटेन्स में लाइफ जितनी ईजी दिखती है उतनी ईजी होती नहीं है, जो डेली लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए। यहाँ लगती है गाड़ी, वो सेंट्रो खड़ी है हमारी, देखो दोनों तरफ गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। पार्किंग के लिए ना इतनी सी जगह नहीं, सॉरी गाड़ी निकालने के लिए इतनी सी जगह नहीं बचती है। ये देखो कितना सा गैप रहता है। गाइस हमारी सेंट्रो, अभी सेंट्रो में हम जाएंगे जहाँ पे हमने लिफ्ट में अपनी क्रेटा खड़ाई है वहाँ तक, फिर क्रेटा को चक के दोनों गाड़ियाँ लेके चले गए। अरे ये सेंट्रो बहुत ही छोटे रास्ते से गैप से निकालनी पड़ती है। हम जहाँ पे खड़े थे तो वहाँ पे एक गार्ड अंकल थे, तो मतलब मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि शिमला में जो लोगों में बात करने की सेंस और वो है ना, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली करते हैं, आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदा कितना अच्छा है। ये शिमला से BCS है ना, BCS एक जगह है, बिशप कॉटन स्कूल, वहाँ से लेकर एक क्लीनी तक का रास्ता है। और आप जंगल देखो कितना है, आप लिटरली एक फॉरेस्ट के बीच से जाते हो और ये बिल्कुल सिटी के बीच में है। मतलब शिमला एक ऐसी जगह है जो जिसमें सिटी के बीच में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आता है, तो ये एक मेरे को एडवांटेज लगता है शिमला का, बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे शिमला में इतनी फ्रेशनेस और ग्रीनरी भी है। देखना चाहते हो ना तो ये देखो गाड़ियाँ कहाँ लगी, जंगल में लगी हुई है, लोगों के पास क्योंकि और जगह ही नहीं है खड़ाने के लिए, रोड पर खड़ानी पड़ती है। सरकार काफ़ी कोशिश भी कर रही है कि सड़क ब्रॉडन करे थोड़ा सा, इसलिए कर रही है ताकि एक टाइम पे एटलीस्ट दो गाड़ियां तो निकल जाएं छोटी छोटी सड़कों से। शिमला जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि उन लोगों ने पार्किंग तभी देते हैं अगर आप पार्किंग गाड़ी आप तभी यहां से रजिस्टर करवा सकते हो अगर आपके पास नोटेबल पार्किंग है यहाँ पे। मैं बताऊं आपको हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्रेटा ये, हाँ इस वाली पार्किंग में खड़ी है। शिमला हाई कोर्ट ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये भी काफी बड़ी बिल्डिंग है शिमला की। और पार्किंग तो आप देख सकते हो, लिफ्ट के पास आपको पार्किंग इसी पार्किंग्स मिली। अरे देखो हम यहाँ सामान लेने रुके, ये है लीला थ्रेड शॉप, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ से लेते हैं गाँव के लिए कुछ सामान, राशन पानी, थोड़ा थोड़ा खाने पीने का बीच रास्ते के लिए। भाई क्रेटा लेके आगे चला गया, थोड़ा पता नहीं कहाँ तक गया, देख भी नहीं रहे हो। और मम्मा सामान ले रहे, फिर चलते हम भी। हमारा छोटे शिमला, देखो पुलिस स्टेशन है छोटे शिमला का, ऊपर को है अपना सेक्रेट, यहाँ ऊपर को दिख नहीं रहा अभी, छः को वहाँ जाके वो है आशियाना, वहाँ से नीचे को जाते हैं अपने विकास नगर की तरफ, वो सामने CM ऑफिस है। फिर दिक्कत दिखा रहा है कुछ उसमें, कैमरे में SD कार्ड की कुछ दिक्कत है, अब देखते क्या होता है। ट्रिप शुरू होने वाला है, अरे भाई साहब पीछे
ये देख रहे हमारी ब्लैक पैंथर, उसमें अभी हम चेंज करेंगे गाड़ी, अभी पापा सेंट्रो पकड़ लेंगे, मैं क्रेटा पकड़ लूँगा। तो बस पापा का इंतज़ार हो रहा है, थोड़ा सामान ले रहे हो, फिर हमारा ट्रिप शुरू। यहाँ से बस आगे जाते जाते संजौली होते, ढली होते, फिर आगे कुफरी माता श्री है, क्योंकि मेरे माता श्री अभी सामान ले रहे थे। अभी गाड़ी पूरी भर गई, ये सारा सामान अभी क्रेटा में शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें सेब की दवाई आएगी अभी इस गाड़ी में। तो देख सकते हो गाइस यार, हम संजौली क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो ये है जी संजौली की मार्केट, आ गया हूँ क्रेटा में अपनी पैंथर में, ब्लैक पैंथर में भाई साहब के साथ। शुरू कर रहे थे शूट करना अपने गोप्रो से, मगर उसमें पता नहीं, मैंने जैसे ही शुरू किया उसमें दिखा रहा है कि मेमोरी कार्ड मेरा करप्ट हो गया, जो उसमें सारी मेमोरी है, सारी भी जो हमने रिकॉर्ड किया सब कुछ करप्ट हो चुका है। अब चेक करेगा यार, कहीं रुक के चेक करेगा, लैपटॉप में लगा के देखेंगे कि कहीं वो सारी जो भी हमने रिकॉर्ड किया सब कुछ उड़ नहीं जाना चाहिए यार, वो भी हमने कल किया है सब कुछ घर के बारे में, शिमला के बारे में। अब देखते तभी मैं, ये देखो नया मेमोरी कार्ड लेने गया था यार। अभी जा रहे हैं हम यहाँ से ढली की तरफ जाएंगे, देख सकते हो संजौली। हमने आपको 15 बताया था ना कैसे 15 और 16 क्यों है संजौली की तरफ, शायद आप समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे। देखो लोग चल रहे हैं, है ना, सड़क बिल्कुल दुकानों के बीच से निकल रही है ना। देखो कैसे क्लस्टर्ड है सारे घर, देखो एक साथ कैसे चिपके चिपके, इंक्लिनेशन देखो 45। सही बात है, अभी हमने हमने तेल भरवाना है यार, अब कोशिश। हाँ तो गाइस वापस हम गोप्रो से, अभी मेरे पास एक 64 GB वाला था उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अरे आइए साहब बैठे है तैयारी में, यही चलाएगा अब संज तक, फिर आगे मैं लेंगे। ये हमारी सेंट्रो आगे चल गई है, सांत्रो जिसमें घर वाले बैठे, जा रहे हैं अभी हम कहाँ, अपनी संजौली टनल के अंदर। ये देखो कितना सामान लेके जा रहे हैं हम पीछे, अभी क्रेटा में क्रेटा फुल है ढली, बस इसके बाद ही इस टनल के बाद ढली शुरू हो जाता है अपना। ये तो चलिए टनल कनेक्टी ढली और संजौली को करती है। हाँ, और बाकी ये इस साइड को सिमेट्रिक हो जाता है, और रास्ता जो हम देखो अभी हम ना रुके हुए हैं क्योंकि ये वन साइड चलता है, मतलब क्योंकि ये टनल इतनी चौड़ी नहीं है कि दो गाड़ी एट अ टाइम निकल सके, तो वन एट अ टाइम होता है। तो बस अभी देखो धूप फिर से चल गई है, मौसम थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी से होने लग गया है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। ये देखो जी ये है हमारी टनल, संजौली ढली टनल। वो मुझे याद है जब हम बचपन में ना कभी ऐसे टनल क्रॉस करते थे तो हम ना सब चिल्लाते थे, स्कूल में पिकनिक्स पिकनिक्स पे जाते थे, पूरा पूरा शोर करके इस टनल में। सही बात है जी, हम ढली है ना। और ये देखो आपको ये रास्ता, देखो एक गाड़ी मुड़ी अभी, यहाँ से हम जा सकते हैं मल्याना होते हुए, तो ये बाईपास रास्ता है, पंथाघाटी होते हुए आते हैं, यहाँ से विकास नगर भी जाते हैं। हमने सोचा था यहाँ से आएंगे, मगर पापा ऑफिस से आए थे और वो डायरेक्ट ऊपर आए थे अपने छोटे शिमला, तो हमने ये वाला रास्ता चूज किया। हमने एक जगह यार अपने टायर में हवा चेक करवानी है, क्योंकि इंडिकेशन आ चुके हैं, TPMI होता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। मौसम एकदम फिर से दबंगी हो रहा है, दबंगी दबंगा ही अभी ये करेगा हमारे पहाड़ों में ना, एकदम बदल जाता है, पता नहीं चलता है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये करेटा फर्स्ट टाइम ऊपर जा रही है पहाड़ों में, ऐसे ही चलेगा आगे पीछे बनाते बनाते, वही को हम इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बताएंगे क्रेटा के। अभी तक परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। हम आगे इस साइड को भी जाता है, ये भी बाईपास रास्ता है, जो ये बाईपास है, ये अगर आप संजौली टनल होते आ रहे हो ना, हाँ। तो ये बाईपास है, आपको संजौली नहीं जाना पड़ेगा। सर अभी आगे यहाँ हवा सही बात है, थोड़ा ना एंगल कितना ट्रैफिक और लोगों ने गाड़ी कैसे कैसे लगाई, अब हवा चेक करवानी है, अब कहाँ करवाएंगे, यहाँ होती थी मगर यहाँ भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मेरे को सारी जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ। और हवा वाला है आगे, है सामने हवा वाला मिल गया, अभी तो रुके हो। ओहो क्या बात है, अब पहाड़ों में जा रहे हो, हवा अपनी टायरों की जरूर चेक करें, क्योंकि ऊपर काफी दिक्कत आ सकती है, रोड भी ऊपर अनइवन होती है, तो टायर कहीं पे भी फ्लैट हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। तो गाइस जर्नी शुरू हो चुकी है, अब हम ढली से देखो दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है मशोबरा, नीचे वाले से जाओगे तो मशोबरा, अगर ऊपर चढ़ोगे तो सीधा आप चौपाल मतलब अपर शिमला एरियाज वाली साइड को निकल जाते हो, कुफरी भी यहीं से जाते हैं। How it feels to take your car to the mountains? Very good भाई, इतना मजा आ रहा है। और कैसा सफर लग रहा है, क्या लग रहा है, अभी देखते हैं सफर कैसा रहता है, अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी तो ट्रैफिक से निकले। ये जो है ये हसन वैली के लिए रास्ता है, आपको मैं दिखाऊंगा, एशिया का डेंसेस्ट फॉरेस्ट माना जाता था एक टाइम पे, अभी भी है शायद, आई डोंट नो दैट। सी
काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। गाँव में तो मतलब लिटरली आपको जंगल ही जंगल होते हैं बेसिकली जहाँ चौपाल रहे, और जहाँ हमारा गाँव है चौपाल में, इट इज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। इस साइड को हसन वैली है, यहाँ पे भी काफी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे आप टेलीस्कोप से देख सकते हो पार्क को, या फिर यहाँ पे खाने पीने का भी काफी है। गाँव में तो फील आएगा वहाँ जब किचड़ में जब चलना पड़ेगा। ठंडा गया, एकदम ठंडा गया, क्या बोलना चाहोगे? ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा गया, मुझे तो पसीना पड़ा है, मैं तो बीमार ना हो जाऊं। मुझे तो गाइस हम पहुंच गए छड़ावड़ा। अगर आप अंदर जाओगे ना तो यहाँ से आप कल्याणी हेलीपैड जा सकते हो। ये मतलब शिमला में एक हेलीपैड है, जब जो आपको सामने पीक दिख रहे ना, ये शाली टिप्पा पीक। तो गाइस फर्स्ट टच ऑफ मतलब अपर शिमला एरिया, ये हम कुफरी आ चुके हैं इस टाइम। ये कुफरी का बाईपास है, तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे आपको एप्पल के ट्रीज दिख रहे होंगे, बड़ी बड़ी माउंटेन्स दिख रही है दूर दूर तक। हिमालयाज नहीं दिख रहे आज, मतलब हिमालयाज दिखते, इतने सुंदर दिखते हैं ना अभी हिमालय जब पूरा क्लियर होता है मौसम। और अपनी ब्लैक पैंथर भी यहाँ आ चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटर कर चुके हैं और ये ना काफी ज्यादा एलिवेशन पे, मतलब यहाँ ना बर्फ आपके मतलब आपके शिमला वगैरह में बर्फ नहीं पड़ती, यहाँ बहुत जल्दी बर्फ पड़ जाती है और काफी टाइम तक रहती भी, और इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है ना। से फागू एंटर करने वाले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं हमारा रास्ता कैसा कैसा रहेगा। मैं आपको ठियोग रीजन दिखाता हूँ, वो सामने अपना ठियोग रीजन, उस हिल तक जाना है, फिर वहां से नीचे नीचे उतरेंगे। सही बात है, ठियोग भी अपना एक तहसील है, बहुत बड़ा टाउन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है ठियोग की, वहां मतलब काफी सारा सामान मिलता है। जो हमारे अपर साइड वाले लोग रहते हैं मेनली वो ठियोग प्रेफर करते हैं जब भी उनको कुछ सामान वगैरह लेना होता है। तो हम ठियोग तहसील भी क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद चौपाल तहसील में। चौपाल घर वाले हमारे पीछे, वो थोड़ा सामान ले रहे हैं, उनको आगे मिलते हैं कहीं। तो चलो सामने देख रहे हो ना, छोटा सा है ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये होती है बॉडी। ये ना मतलब हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में जो पहाड़ों में ना पहले पानी इसमें इकट्ठा हो रहा था, अरे काफी काफी होली मानी जाती है जगह। तो ये हमें अचानक से दिख गए, तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। हमारी ब्लैक पैंथर खड़ी है और नजारा तो आप देख ही सकते हो आर पार का। फागू हो चुका है क्रॉस, फागू हो चुका है क्रॉस। तो जैसे ही आप फागू क्रॉस करते हो ना, तो आप एक दूसरी साइड को आ जाते हो, आप शाली का टिब्बा देख रहे थे। अब आपको जो सामने की हिल्स की सीरीज दिखेगी ना, वो बेसिकली जो अपर शिमला एरिया की हिल्स है, जैसे चूड़दार बहुत क्लियरली दिखता है यहाँ से। तो गाइस यार मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा यार, अभी जैसे अभी हमने लेटेस्ट ही व्लॉगिंग शुरू की है और ये सबसे पहला मेरा ट्रैवल व्लॉग है, तो यार हमें मतलब ऐसे काफ़ी दिक्कतें आती है बीच बीच में, हम मतलब ध्यान नहीं रख पाते कुछ चीज़ों का, क्योंकि अभी नए नए हैं, अभी यूज़ टू नहीं है। तो जैसे अभी ये मेरा GoPro का है, इसमें हम जैसे बीच में सुपर वाइड एंगल कर देते हैं, कभी वाइड एंगल कर देते हैं, तो उसको वापस नॉर्मल में चेंज करना हम कभी भूल जाते हैं, ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभार कि क्या करना है क्या नहीं, हम पूरी कर रहे हैं ना। बाकी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। तो गाइस ये होती हुई हमारी ठियोग मार्केट में एंट्री, अभी आपको हम दिखाएंगे अपनी फेवरेट प्लेस शॉप है बिना जी। हम यहाँ से जब भी आते हैं ना तो पकौड़े समोसे और ये सारी चीज़ें हम पक्का ले आते हैं, और यहाँ पर बेसन ये भैया हमें समोसे और पकौड़े दे रहे हैं। यूट्यूब का चैनल है मेरा, मैं आपको नाम बताता हूँ, आप भी आओगे उसमें बताना मेरे को। हाँ मैं बताता हूँ आपको, ठियोग में आप जब भी आते हो तो मेन हाईवे पे ही है बिना जी। इन भैया ने हमारे स्पेशली पकौड़े समोसे गरम किए, आपको मैं चैनल का नाम बताता हूँ। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई गॉट, इसमें है बेसन की बर्फी, इसमें समोसे हैं और नीचे ही पकौड़े भी है इसमें। एक्साइटमेंट देख रहा हूँ, भूख लग रही है, स्मेल इतनी तेज आ रही है ऊपर से यार।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे अब हमें एक डाइवर्जन लेना है। हम यहाँ से इस साइड को जाएंगे। अगर आप सीधा जाओगे तो आप रामपुर नारकंडा किन्नौर गोर उसके लिए हमने चढ़े, अब फिर सीधा सीधा ट्यूब तक। अब हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, अब जाएंगे वैली की तरफ, अब वैली की तरफ जाएंगे जहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। बेसिकली आप इस रोड से रोडू कोटखाई चौपाल किसी भी जगह जा सकते हो। सही बात है। चौपाल के लिए बीच में एक जगह से टर्न हो जाता है, बट जो कोटखाई और रोडू वाला रोड है ना वो सेम ही है, सीधा रोड है। तो गाइस पूछो इसे ये इतना खुश क्यों है यार, गाड़ी चलाने का इतना मजा आ रहा है। प्लान किया है मैंने कुछ बड़ा, बारिश ही इज हैविंग वेरी बिग बिग प्लान्स गाइस, ही इज नॉट टेलिंग मी वन। तो यार आईएस साहब के लिए है, मैं चलो आईएस साहब का एक अच्छा ट्रिप बनाते हैं। यार सोचा है सनरूफ का फायदा भी उठाया जाए। ये देखो ड्राइवर साहब यहाँ नीचे बैठे हैं। छोटा सा ब्रेक लिया है खाने पीने का, हम जो बिना जी से लेते। तो गाइज हमें ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा हो गया, घर वाले अभी तक नहीं आए, हम उनका वेट कर रहे हैं, वो भी कुछ काम करवा रहे हैं, बीच बीच में उनके काम है थोड़े बहुत। तो उनको सेब की दवाइयाँ लेनी है, एक्चुअली बगीचे में जो भी स्प्रेज होते हैं उनकी दवाई लेनी थी उन्हें, बट उन्होंने हमें बोला था कि वो 10-15 मिनट में आ जाएगी, और हमें लिटरली 2 घंटे हो गए यहाँ पे इंतजार करते करते। यहाँ पे जो शांति है ना गाइज, उसका जो आनंद है ना, बेशक बीच बीच में गाड़ियाँ आती है या आती है, बट उसके अलावा ना इतनी शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है गाइज। देखो कैसे इंतजार में खड़े हमारे भाई साहब। सब सारी गाड़ियां देख चुका हूँ मैं, सारी गाड़ियां, एक भी गाड़ी मेरे घर वालों की नहीं है। 15 मिनट में बोलो 3 घंटे होते हैं क्या, मुझे बताओ। सामने सड़क पे नजर है कि दिख जाए अपनी गाड़ी, दिख जाए दिख जाए, दिख ही नहीं रही है। अब तो मेरे को प्रेशर आने लग गया किसी और चीज का भी, वेट करते करते क्या करूँ यार। देख सकते फाइनली मम्मी पापा पहुंच गए, और ये हमारी चल रही है ब्रेक, खाना ब्रेक है। ब्रेक है। मम्मा ने पुलाव बनाया, पापा भी पुलाव खा रहे हैं ना, हम चाय पी। पापा से कहा रहेंगे थोड़ी देर। देख दिखा भाई, सेबों की दवाई और वो लेने फ्रूट्स वगैरह लिए है ना, सारा है ना साथ में। ये देखो सेब की दवाइयां। ओहो ये तो आप दिखा लिया, तो ट्रे ट्रू हटा के देखो ऐसा, आगे भी पूरी पीछे वाली सीट पूरी भरी, पूरी भरी। ये होता है जी सेब का काम, जो बोलता है ना तुम्हारे तो बगीचे है, और बहुत आसान है सेब का बेटा, खर्चे भी है, मेहनत भी है, और रेगुलर टाइम भी देना पड़ता है। इन लोगों से पूछो अगर भाई। भाई। मम्मी यहाँ पे पापा को हमने सेंट्रो में कनाडा में बिठा दिया, मैं सेंट्रो में शिफ्ट हो गया हूँ, पापा को हम चाह रहे थोड़ी देर रेस्ट मिले,